नीतीश जी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, रह रह के आपको याद करते हैं। विलय करने की बात कर क्यों रहे थे? आपने समझने की कोशिश की, क्या विश्वास नहीं था नीतीश कुमार को कि अगर जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी को कुछ हम और आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों में धोखा दे सकते हैं? इस बात को छोड़ करके कोई भी बात कहें नीतीश कुमार हम लोग मानने को तैयार हैं। अगर हम बाहर घटक दल के रूप में जासूसी कर रहे थे तो पार्टी में मिल जाते तो और अच्छा से न जासूसी करते हैं। हम उस घर में हम हैं तो हम कैसे जासूसी कर रहे थे? निकलते उकलते देखते हैं, इसीलिए ना कि मैंने माँ का कसम खाया था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मांझी जी, एनडीए के लिए भी कोई कसम है क्या? नीतीश कुमार पर जब दबाव आने लगा कि आप रिजाइन कीजिए, तब उन्होंने सोचा कि हमें वो कच्चा चारा चुने, बोलने लगा तो उसको हरा देता है, लेकिन हम नहीं बोलते थे ही जान करके कि हमको हरा देगा, इसीलिए हिसाब से हम बात करते थे। बना दिए मुख्यमंत्री तो लाचारी में बनाए, बुद्धू समझ के बनाए। मंत्री हम बने मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री में मंत्री हम किसको बनावेंगे? मेरा प्रोरेटिव है। विभाग बंटवारा की बात भी आई तो ये भी हमसे नहीं पूछे, मुख्यमंत्री हम है, चलाना विभाग हमको है, तो हमसे न पूछे। वो भेज दिए एगो लिस्ट, उस पर भी जीतन मांझी लिख दिया नीचे। आप सुने होंगे उस समय कि नीतीश कुमार चौवा मारे हैं तो हम छक्का मार रहे हैं, क्या हर बात इनकी हम मानेंगे? हम कौन सी के मुख्यमंत्री हैं? अगर हम आकांक्षी होते, महत्वाकांक्षी होते, तो हम असेंबली भंग कर देते। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या टारगेट दिया आप लोगों को? हम अकेले बिहार में एनडीए को इतनी मजबूती देंगे जितनी मजबूती पहले कभी नहीं हुई थी। दो तीन बार आपने कहा कि संतोष सुमन में मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता है, अब आप एनडीए में हैं, क्या अब भी आप उस बयान के साथ कायम है कि पूरी क्षमता है संतोष सुमन जी में? वाकई सीटों को लेकर बातचीत नहीं है? वाकई जीतन राम मांझी ने और संतोष सुमन ने कोई डिमांड नहीं रखी अभी एनडीए के अंदर? क्या चल रहा है इस कुर्सी को खेल में? देखिए, नीतीश कुमार चाणक्य हैं, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, हमारे साथ जीतन राम मांझी है, हम पार्टी के संरक्षक, और देखिए अब इनकी भूमिका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है बिहार के अंदर एनडीए के लिए। जीतन राम मांझी जी, सबसे पहले तो देशवा न्यूज़ में आपका स्वागत है, और नीतीश जी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, रह रह के आपको याद करते हैं, आपने भी उनका बयान सुना होगा कि मिस कर रहे हैं आपको। अब मिस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सही है कि राजनीति में कस्मा कस्मी नहीं होती है, लेकिन हम इतना ज़्यादा उनसे ओब्लाइज्ड महसूस करते थे, हालांकि ओब्लिगेशन की बात नहीं थी, लेकिन तो भी हम ओब्लाइज्ड महसूस करते थे, तो हमने कसम खाई थी कि नीतीश जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप रहिएगा, अकेला भी रहिएगा तो मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन जब हम चारों विधायक के साथ और एक पार्षद के साथ जो मंत्री पुत्र था मेरा, पांचों जाके उनसे काम से मिलने गए हम लोग, तो आधा घंटा तक वो भाषण देते रहे कि आप हमारे पार्टी में विलीन हो जाइए, मर्ज कर जाइए, और बाहर रह के क्या कीजिएगा। हम लोगों ने कहा कि भाई इस पर हम सोचेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं सुने, अपनी बात कहते रहे। खैर, जो भी कुछ काम धाम का मामला था कह करके हम लोग वहाँ से चले आए। आते आते भी उन्होंने कहा कि सोचिए इस पर, हम कहा जरूर सोचेंगे। तो 9 तारीख की ये बात थी, 9 जून की बात थी, तो फिर हम चले आए गया अपना काम से, कुछ ये से था। पूछा गया था विजय चौधरी के माध्यम से कि कब आप आइएगा, तो हम जानबूझ करके समय लिया कि 4-5 दिन में मन में कुछ बातें आ सकती है, रिकॉन्साइल करेंगे, इसलिए हम कहा कि हम 12 तारीख को आएंगे। तो 12 जून को हम आए, तो आए ही नहीं, उसी समय विजय चौधरी का टेलीफोन आया कि हम लोगों के लिए क्या संदेश है आपका। तो हम कहा कि भाई हम अभी आए हैं, अभी कुछ बात करना ज़रूरी है। तो हाँ ज़रूरी है साहब, बात कर रहे हैं। तो भी हम टरकाया और कहा कि आज नहीं, 12 को नहीं, 13 को सवेरे हम आपके घर पर आएंगे। तो 13 को हम उनके घर पर 10 बजे गए, वो भी फिर बुलाए थे, 10 बजे की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं किया, वो 9:30-10 में टेलीफोन किया कि आ रहे हैं हम, कि हाँ भाई गाड़ी पर बैठ रहे हैं, हम आपके पास आए। वहाँ गए तो
हाय हेलो हुआ, चाय पानी की बात हुई, पूछा कि क्या आप लोग ने सोचा। हम कहा कि उस दिन तो हम पूरी बात कह दिया था कि भाई हम अपने पार्टी को जो गरीब की पार्टी है 2015 में बनाया है, अब यहाँ के सर्टेन तबके के जो गरीब हैं इसको अपना घर समझ रहे हैं, अपना झंडा समझ रहे हैं, तो एक आदमी का मामला नहीं है। इसीलिए हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया, हम एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया, कोई आदमी नहीं कहता है कि साहब पार्टी को मर्ज कीजिए जदयू में। इस बात को छोड़ करके कोई भी बात कहें नीतीश कुमार हम लोग मानने को तैयार हैं। तो यही बात है, हम पार्टी विलीन नहीं करेंगे। तो विजय चौधरी जी ने कहा कि तब तो उस दिन भी बोले थे साहब कि पार्टी में विलीन नहीं कीजिएगा तो आप बाहर जाइए, तो बाहर जाना होगा आपको। तो हम कहा कि इसके लिए फिर पूछना होगा उनको, तो नहीं फाइनल उन्होंने कहा है कि मांझी जी अगर पार्टी विलीन नहीं करते हैं तो वो बाहर जाएं। तो तुरंत हम आए अपने घर पर, संतोष कुमार मंत्री जी को कहा कि बाबू हम लोग पार्टी को विलीन नहीं करने का निर्णय लिया है, तुम अपना इस्तीफा लिख करके जाके विजय चौधरी को ही दे दो। अच्छा, बाहर जाने के लिए खुद विजय चौधरी ने आपको कहा कि नीतीश जी का? चौधरी नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा दो दो बार, जो 7 तारीख को मिल रहे थे, तो 7 तारीख को सभी विधायकों के साथ हम मिल रहे थे, तो दो दो बार उन्होंने कहा कि आप पार्टी में मिलन विलीन कर जाइए, विलय कर जाइए, और नहीं तो बाहर जाइए, दो दो बार कहा। और उसके बाद फिर हम लोग उठ करके चले कि ठीक है हम सोचेंगे। तब फिर विजय चौधरी के माध्यम से उन्होंने 13-12 तारीख को समय दिया था, हम तो 13-12 तारीख को उन्होंने कहा, तो 13 तारीख को हम गए और कहा कि भाई हम लोग विलय करने की बात नहीं सोचा है, हम लोग बाहर रहने की बात सोचा है। अच्छा, ऐसा विलय करने की बात कर क्यों रहे थे? आपने समझने की कोशिश की, क्या विश्वास नहीं था नीतीश कुमार को कि अगर जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी को कुछ हम और आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों में धोखा दे सकते हैं? क्या ये मन में बातें चल रही थी? आपने स्पष्ट करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की नीतीश जी से? मैंने कुछ नहीं पूछा, ये सब मैं क्यों पूछता उनसे। लेकिन एक बात जरूर नज़र आती है कि वो समझ रहे थे कि जीतन मांझी साथ रह कर के भी बहुत मामला में उनका हम जो उचित बात समझा हमने कहा, चाहे ताड़ी का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे बालू का मामला हो, या भूमि संरक्षण बंदोबस्ती का मामला हो, पजेशन डिस्पोजेशन का मामला हो, इंदिरा आवास में करप्शन का मामला हो, सारी बातों को हम उनसे भरवली भी कहते रहे, विधानसभा में भी कहा है, 13 मिनट का भाषण हमने मघी में दिया था उसमें भी ये बातें कही। उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये साथ है बाहर है, यानी कि घटक दल है, इसलिए बोल रहा है इतना। अगर मिल जाएगा, विलय होगा, तब तो ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, पार्टी के सिद्धांतों से बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे, तो इसीलिए वो बार बार कह रहे थे, जो कि हमको गवारा नहीं दिया और हम रिजाइन करने को सोचा और रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद फिर बाहर आए। अब इसमें एक चीज़ हुआ, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए उपकार उन्होंने किया, और उपकार इसलिए किया, इसको आप लोग सोच सकते हैं कि हम माँ का कसम खाया था कि हम माँ का कसम खाते हैं कि नीतीश जी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो कुछ भी होता हम नहीं छोड़ते। लेकिन जब उन्होंने मुखाद कह दिया कि मिल जाइए नहीं तो बाहर जाइए, तो मेरा कसम ख़त्म। तो हम पर तो उपकार किया उन्होंने, और कसम जब ख़त्म हो गया तब बाहर जब हम निकले तब वो कहने लगे कि जासूसी करते थे इसलिए उनको बाहर किया। अब यहाँ पर प्रश्न कीजिए आप लोग भी, कल प्रश्न भी बोले हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि मिस कर रहे हैं आप। हाँ, परसों भी हम बोलेंगे कि जहाँ भी होते हैं वो बोलते हैं कि जीतन मांझी जासूसी करते थे इसलिए उनको बाहर जाने की बात किया। अंदरूनी क्या है तो पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ, आप लोगों से भी पूछता हूँ कि अगर हम बाहर घटक दल के रूप में जासूसी कर रहे थे तो पार्टी में मिल जाते तो और अच्छा से न जासूसी करते हम? तो ये कैसे वो कहते हैं? तो इसी पर हमने कहा कि लगता है कि उनका दिमाग थोड़ा
कमजोर हो गया है, वो समझ बात को समझ नहीं रहे हैं। हम मिल जाते तो और ना बढ़िया से करते, घर के भी दिया लंकाडा है, हम ये घर में रहते तो सारी बात जान करके ना बाहर करते, वैसे तो हम उस घर में हम हैं तो हम कैसे जासूस कर रहे थे, निकलते उकलते देखते हैं इसीलिए ना, यहाँ तो सामने बात हो रही है इसको हम रही करते, तो हमको उनके सोच पर तरस है। तो तरस चाहे जो हो हमारे लिए बहुत उपकार की बात उन्होंने की है कि हमको एक बहुत बड़ा धर्म संकट से बचाने का कोशिश किया, क्योंकि मैंने माँ का कसम खाया था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मांझी जी, एनडीए के लिए भी कोई कसम है क्या? कोई कसम नहीं, हाँ। कोई कसम नहीं है, हर वक्त कसम नहीं खाया जाता है। देखिए जिताने का लाचारी एक चीज कह रहे हैं, बात कर रहे हैं तो जरा कम्प्रेहेंसिव बात कीजिए, पता नहीं क्या आप लोग लिखिएगा जाइएगा, लेकिन बात सुनिए कि हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो सबको उन्होंने कहा कि हमने तो जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन देहात में हम लोग एक प्रोवर्ब्स बोलते हैं कि भेड़िया भले सिर मुड़ाती है, यानी भेड़िया के माथा में बहुत जू हो जाता है, कीड़ा हो जाता है, तो ढूंढते चलती है, अगर उसको पकड़ के ऐसे सहलाइएगा मुड़िएगा तो एकदम चुपचाप शांत हो जाएगी। तो इसी को कहा जाता है कि भले मुड़ाती है, यानी कि उसको तकलीफ है तब वो केस मुड़ाती है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार पर जब दबाव आने लगा कि आप रिजाइन कीजिए रिजाइन कीजिए, तब उन्होंने सोचा कि हम एगो कच्चा चारा चुने, कच्चा चारा ऐसा चुने कि जो हमारी बात को माने। और इसलिए जीतन मांझी सही एक बात बोलते हैं सही, कि 2013 के पहले हमको बहुत कम लोग जानते थे मंत्री के रूप में, ये कहा इतना वोकल नहीं होते थे, डेमोक्रेसी है सेटअप है, बाबा अम्बेडकर की बात नहीं मानी गई, डबल मतदाता सूची की बात नहीं आई, अगर हम बोलते तो हमको लोग हरा देते। 8 बार आज हम विधायक हैं, 8 बार विधायक नहीं होते, कोई भी विधायक को जोड़िए शेड्यूल कास्ट का, 4 बार 5 बार 3 बार से ज़्यादा हुआ है, वो आप बोलने लगा तो उसको हरा देता है, लेकिन हम नहीं बोलते थे ही जान करके कि हमको हरा देगा, इसीलिए हिसाब से हम बात करते थे। तो इसी में समझ गए नीतीश जी कि जीतन मांझी तो कोई बोलता नहीं है, बड़ा सीधा आदमी है, इसलिए इसको बनाओ, तो हमको बना दिए। अब बना दिए तो मुख्यमंत्री तो लाचारी में बनाए, बुद्धू समझ के बनाए, लेकिन 2 महीना बीता तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कहने लगे कि रिमोट से चल रहा है या रबर स्टैंप है, ये दोनों बात हमको लगा कि एकदम सही लोग कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं। अरे भाई मंत्री हम बने मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री में मंत्री हम किसको बनावेंगे, मेरा प्रोरेटिव है, लेकिन वहाँ से एक लिस्ट आया, कहा कि जिसको दस्तखत कर दीजिए, ये भी नहीं पूछा कि भाई किसको आप बनाइए मंत्री, किसको बनाइएगा, तो ये क्या सोच के वैसा किए, तो हम वैसा कर दिया। एक दो रोज के बाद विभाग बंटवारा की बात भी आई, तो ये भी हमसे नहीं पूछे, मुख्यमंत्री हम है चलाना विभाग हमको है, तो हमसे न पूछे, वो भेज दिए एगो लिस्ट, उस पर भी जीतन मांझी लिख दिया नीचे। तो इस तरह से जब बातें बढ़ी और आप लोग बोलने लगे तो हमको लगा कि ये लोग सही बोलते हैं, ऐसा करें तो इसका मतलब नीतीश कुमार तो यही करेंगे। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आई, कमिश्नर का कलेक्टर का, तो वो एक लिस्ट भेज दिए, और भेज दिए तो दस्तखत करने के लिए, वहाँ पर हम रिवेल किया कि नहीं, ये जो कहें वही हम नहीं करेंगे, हमको सरकार चलानी है, हम अपने ढंग से विज्ञापन निकाला, सबको निर्देश दिया, वहीं से उनसे बात शुरू हुई, और वो समझने लगे कि जीतन मांझी हमारे कब्जा में नहीं है। और फिर आप लोगों की बात सुन करके, आप सुने होंगे उस समय कि नीतीश कुमार चौवा मारे हैं तो हम छक्का मार रहे हैं, छक्का मार मार करके हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे ठेकेदारी में। अच्छा, उस समय जो विवाद की शुरुआत 2 महीने के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि टाइम लगा, हम लोग को तो लगा कि जब आपने ये किया है रिजाइन दिया है उससे 1-2 महीने पहले ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब हम मुख्यमंत्री हुए उसके 2 महीना के अंदर ही विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि 1.5 महीना तो हम लोग खूब उनकी बात को माना, तो कोई विवाद नहीं थी, लेकिन जब वही ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आई तो हम कहा कि अब हर बात इनकी हम मानेंगे, हम कौन सी का मुख्यमंत्री हैं, आप लोग भी कहे कि ये रबर स्टैंप है, आप लोग भी कहे कि रिमोट से चलते हैं, तो फिर आखिर हम भी तो 7 बार विधायक उस समय थे,
उम्र भी हमारा था, हम भी कोई LLPP नहीं थे, हम भी 66 में ऑनर्स ग्रेजुएट करके आए थे, पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय था, सारी बात को हम जानते थे। तब हम कहें कि आखिर ऐसा क्यों करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि भोला पासवान शास्त्री 3-3 बार मुख्यमंत्री हुए और रामसुंदर दास जी मंत्री हुए, वो जथा प्रस्तावित किए बड़ा अच्छा मंत्री हो गए, हम का औसा मंत्री नहीं होंगे, इसलिए कि कल अगर कोई बात होगी हमारा आदमी जाएगा काम कराने के लिए कोई भी शय पर, तो कहेंगे कि तुम्हारा भी तो मंत्री था, क्यों नहीं किया, आज हमारे पास क्यों आते हो, तो हमारे पीढ़ी को गाली देते। तो हम कहा कि हम पीढ़ी को भी गाली नहीं सुन देने देंगे और हम भी अब अपनी बात को करेंगे। वही 4 महीना का 6 महीना हमने काम अपने ढंग से किया, प्रस्थापन हुआ या निर्णय, बच्चियों का परीक्षा थी फीस माफ़ करने का, किसानों को बिजली माफ़ करने का, ठीका में आरक्षण की बात है, मुसलमानों को मदरसा में कंप्यूटर देने का, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को ज़मीन और पैसा देने का, इत्यादि इत्यादि 34-35 फैसला हमने दिया, जो अकाट है उस पर कोई नहीं कर सकता है कि ये कोई ख़राब फैसला थी। लेकिन बात आई तो इनसे ज़्यादा ये तो चाहे कि जीतन मांझी को हटावें, लेकिन चाहे जिस भी कारण से हो, इन्होंने डेयर नहीं किया हमसे डायरेक्ट कहने का। अगर हमसे डायरेक्ट कहते तो 2005 में हम मंत्री बने थे, 2 घंटा के अंदर इनको किसी ने कहा कि ये कोई दागी मंत्री आ गया है, तो हमको उन्होंने बुलाया और 4 घंटा के अंदर हमने कहा आप कागज दीजिए, हमने रिजाइन कर दिया। अगर डायरेक्ट हमसे कहते कि जीतन मांझी हो गया, अब मुख्यमंत्री हम बनना चाहते हैं, 1 मिनट भी हम नहीं ठहरते, हम वही कागज़ मांगते उनसे, वहीं पर इस्तीफा दे देते। लेकिन इन्होंने करवट बदली क्या कि नाजायज मीटिंग बुलवाया और शरद यादव मर गए आज, हम समझते हैं शरद यादव को इन्होंने लोभ दिया, हम आपको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, जीतन मांझी को हटाइए आप। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं पावर नहीं है कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलावे, एक। दूसरी, जब लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक लेजिस्लेचर पार्टी का नेता बुला चुका है, तब तो और बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। तो हम 5 तारीख को बैठक नोटिफाई कर दिया था, 19 तारीख को बैठक हमारी होने वाली थी, ये 8 तारीख को बैठक बुलाते हैं कि 13 तारीख को बैठक होगी। उस बैठक में हो गया कि आइए आप, हमको कहा गया, हम कहा कि हम जब बैठक बुला चुके हैं, हम लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं, तो 19 तारीख को बैठक है, 19 तारीख को बैठक में आइए, जो सोचना होगा करना होगा कीजिएगा। कहें कि नहीं 13 तारीख की बैठक में आइए, हम कहा कि 13 तारीख की बैठक अवैध है, हम पेपर में भी बोल चुके हैं, तो फिर उस बैठक में हम क्यों जाएँ। और वही 13 तारीख की बैठक में इधर उधर कर कर करके कह दिए कि हम नेता को चुना गए, तो नेता चुना गए तो हमारे सामने आई बात कि क्या करना चाहिए। अगर हम आकांक्षी होते, महत्वाकांक्षी होते, तो हम असेंबली भंग कर देते, 6 महीना तक तो कम से कम मुख्यमंत्री और हम रहते, लेकिन हमको आकांक्षा नहीं थी, हम विधायकों का सोचा कि विधायक को क्यों ये करें, इसलिए हम अपने इस्तीफा दिया। ये बातें हुई। अभी इसमें आप जोड़िए कि कहाँ जी, निश्चित रूप से वो प्रकरण हमें याद भी है, तमाम प्रकरण याद है। मांझी जी, मेरा सवाल है कि अब आप NDA के मजबूत पार्ट हो गए हैं, जिताने के लिए बिहार में देखिए 40 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार जब नीतीश जी साथ में थे तो 39 सीटें NDA यहां से जीती थी, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो सर्वे आ रहा है उसमें 3 से 4 सीट BJP जीतती नजर आ रही है, और हमने 2015 में देखा है कि जब लालू नीतीश साथ में रहे हैं तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो फायदे में रहा महागठबंधन के लिए। इस बार क्या लगता है, आप हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं और पारस जी हैं, क्या NDA का कुनबा और बढ़ेगा या इतने ही साथी मिलकर यहाँ पे क्या टारगेट लेके चले, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या टारगेट दिया है आप लोगों को? देखिए, आज जो बिहार की स्थिति है, नीतीश कुमार जो 2005 और 10 के बीच में थे वो नीतीश कुमार नहीं रहे, उनके पास फॉलोइंग स्थिति बहुत कम हो गई। रही बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी जिस समाज को बिलोंग करते हैं, आज भी यहाँ हम रिव्यू कर रहे थे, कल अररिया में रिव्यू कर रहे थे, अपने मगध में देखते हैं तो राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जमीन हड़प का मामला 50% से ज़्यादा है। तो वो लोग सोचता है कि जब सत्ता में नहीं है डायरेक्ट, तो आज स्थिति ये है और कल अगर सत्ता में हो जाएंगे तो किसी की ज़मीन, चाहे पर्चा का हो चाहे जो भी हो,
वो हड़प होगा, हत्या होगा, बलात्कार होगा, इत्यादि इत्यादि बात होगा, इसलिए सब कोई घबराया हुआ है। इसे जितना बिकर सेक्शन के लोग हैं कोई नहीं महागठबंधन को वोट देने की स्थिति में होगा, वो लोग सब विकल्प सोच रहा है कि एक है मोदी, खास करके पार्लियामेंट चुनाव में। पार्लियामेंट चुनाव में जो दूसरे दल के भी लोग हैं वो कहते हैं कि केंद्र में सशक्त सरकार है मोदी जी का, मोदी जी को एक बार और रहना चाहिए, इसलिए इन लोग का कहीं स्थान नहीं रहेगा, मोदी जी काफ़ी चुनाव जीतेंगे और हम समझते हैं उस समय से बेटर ये करेंगे। रही बात हमारी, तो आप देख रहे हैं यहाँ आए हैं तो ज़रा देख लीजिए कि हम मगध प्रमंडल में गरीब संपर्क यात्रा निकाला, हमारा वीडियो देख लीजिए, हजारों हजार आदमी आते हैं, संतोष जी चलते हैं सड़कों पर तो हजारों आदमी साथ चलते हैं, वो दौड़ता है तो वो लोग दौड़ते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ 5000 आदमी जुटते हैं, रात में मीटिंग करते हैं तो 5000-6000 आदमी जुटते हैं। कल रानीगंज में वर्षा हो रही है, वर्षा हुई तो भी 5000 आदमी जुटा भाषण दिया, अभी वो कस्बा में भाषण दे रहा था, देख लीजिए वीडियो, वहाँ भी लगता 5000-7000 आदमी है। अभी हम लोग जलालगढ़ में जा रहे हैं, वहाँ का वीडियो देख लीजिए, तो समझिए कि कोई विरोधी पार्टी है हिम्मत जो बिना पैसा का, बिना मैनेजमेंट का, जिस प्रकार से भीड़ कैच कर रहे हैं हम लोग, कुछ कर रहा है। तो हम तो समझते हैं कि हम अकेले बिहार में एनडीए को इतनी मजबूती देंगे जितनी मजबूती पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए हम कहते हैं कि बिहार का 400 सीट मोदी जी जीतेंगे। महागठबंधन में जब आप थे तब संतोष जी को लेकर 2-3 बार आपने कहा कि संतोष सुमन में मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता है, अब आप एनडीए में हैं, क्या अब भी आप उस बयान के साथ कायम है कि पूरी क्षमता है संतोष सुमन जी में? देखिए, किसी की योग बनाना, योग्यता बनाना और किसी पद की दावेदारी, ये दोनों दो चीज़ है कि नहीं है? 100% है। तो हम जब मुख्यमंत्री की दावेदारी मांगेंगे तब ना कहा जा सकता है, क्षमता की बात तो हम कहते ही हैं कि जीतन मांझी का बेटा संतोष कुमार एक दलित महादलित परिवार का बेटा है, और जहाँ तक बात है शिक्षा का तो MA है, PhD है, नेट है, आज गया ऐसा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का प्रोफेसर है, तो ये एक मुख्यमंत्री बनने का इससे ज़्यादा क्या हरता है, एक चीज़। और दूसरा चीज़ तो कहा तो कि कल कस्बा में मीटिंग देख लीजिए, 5000-6000 आदमी का भीड़ है, पूर्णिया में परसों मीटिंग किया था, कोढ़ा में मीटिंग किया था, तो ये क्षमता किस में है सो पहले बताइए, योग्यता की बात भी हम कहते हैं और ये क्षमता की बात है। एक आदमी कोई हम चैलेंज करते हैं बिहार के कोई एक आदमी को कि जिस प्रकार से संतोष भीड़ कैच कर रहा है उस प्रकार से कैच करके बतलावे, तो यही बात ना है, तो ये क्षमता नहीं है तो क्या है जी? लेकिन हम दावेदार नहीं हैं। हाँ, दावेदारी आपने पेश नहीं की। नहीं, बस जी। दूसरा सवाल ये है कि NDA का जो भी गठबंधन है उसमें जितने भी दल हैं, क्या लगता है और भी दल जुटने चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी को NDA की बैठक में नहीं बुलाया गया, जो भी अभी कारण हो, शायद फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन कमोबेश सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि मुकेश सहनी भी NDA का हिस्सा हो सकते हैं, आपको लगता है कि कुनवा और बढ़ना चाहिए? देखिए, हम कोई नीति निर्णायक मंडली में नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात किया है, और आप हमारे 44 वर्ष के सफर को देखिएगा तो हमने राजनीति कभी नहीं की है। अगर हम राजनीति करते तो हम मुख्यमंत्री और बने रहते और भी तरह की बातें होती, सिर्फ हम जनता की सेवा का काम किया है और आज भी हम वहाँ गए हैं, तो हमको ये नहीं है जो 6 महीना 4 महीना मुख्यमंत्री बनता है वो करोड़पति अरबपति खरबपति होता है, जवान स्वर्ग में थाना आदि सोना का खान खरीदता है, हम तो 9 महीना रह गए मुख्यमंत्री, हमारा एसेट जांच कर ले, आप लोगों से हम कहते हैं कि हमारा घर द्वार जांच करवा लीजिए, अगर मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर नहीं रहता तो मर गया बेचारा, अब हम गाड़ी पर चलने लायक नहीं हैं, हम अपने पेट से गुजारा करते हैं, तो एक चीज़ ये है। और दूसरी तरफ ये कहना चाहते हैं कि आज तक एक MLA होता है 5 वर्ष 4 वर्ष तो बका है गाड़ी खरीद लेता है, बस खरीद लेता है, ट्रक खरीद लेता है, गैस एजेंसी लेता है, पेट्रोल एजेंसी लेता है, हर एक प्रकार का काम करता है, और हम कुछ नहीं किया है। तो कहने का मतलब हम इसलिए आए हैं कि
हम बिहार के जनता को सेवा करें। और सेवा इस माने में आज नीतीश कुमार 2000 में आए थे, 2005 में तो कहते थे कि मेरा एक काम होगा पलायन रोकना, तो आज पलायन रुक गया है क्या? नहीं, पलायन तो बड़ी समस्या है सर। वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग का हम जाल बिछा देंगे, के गो इंडस्ट्री यहाँ कायम हुआ है सुबह बताइए। तो इन सब बातों को एनडीए के साथ मिल करके बिहार में हम करना चाहेंगे, ताकि यहाँ का युवा बाहर नहीं जाए और यहाँ निवेश बढ़े और यहाँ कल कारखाना लगे, ताकि बिहार उन्नत हो, हमारा ये उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देखा उस दिन कि हमको एलिवेट किया, हमको ये किया, तो हमको यही नहीं लगा हमारा पुराना संबंध जैसे था प्रधानमंत्री से वही संबंध बना है, और उस संबंध के ये में हम बात करेंगे। आज गया का देख लीजिए, उल्टी गंगा बहा करके गया में पानी ले जाना चाहते हैं, 4500 करोड़ रुपया खर्च हो गया। नवादा में ले जाएंगे 6000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, एक बूंद पानी नहीं जाता है, वहाँ पानी जमा हुआ और पितृपक्ष में लोगों दिया है, ये तो जम गया है इतना इतना काई, और उससे दुर्गंध आ रहा है, क्या होगा कहाँ नहीं जा सकता। और वही हम कहते कि सोन से गिरा दीजिए पानी फल्गु में, और फल्गु से लेकर के इधर नदी से नदी जोड़ दीजिए, तो 700 करोड़ रुपये में आज 8 जिला में जो सुखाड़ है हमारे यहाँ, ये सुखाड़ की स्थिति नहीं आती, वो वाटर प्रॉब्लम जो नीचे है हो गया है वो ऊपर हो जाता। तो ये सब काम हम गए हैं एनडीए में, तो हम करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए एनडीए आप तो गार्जियन भी, आपकी जिम्मेदारी है कि एनडीए में जो भी प्रॉब्लम है बिहार के अंदर उसे भी दूर करें, आपको सब गार्जियन के तौर पर देखते भी हैं। एक परेशानी है चाचा और भतीजे के बीच में, चिराग पासवान और पशुपति पारस जी के बीच में, दोनों को बीजेपी रखे हुए है, पारस जी को भी इज्जत मिल रही है, चिराग पासवान को आपने स्वयं देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह गाल थपथपाया और गले लगाया, लेकिन हाजीपुर की सीट को लेकर और जो भी पारिवारिक विवाद है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या अब चाचा भतीजों को एक हो जाना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कॉम्पिटेंट इनफ हैं ये सब मामला को सेटल करने के लिए, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। और ये चाचा भतीजा का अंदरूनी मामला है, कखनी दोनों एक हो जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं है, इसलिए इस चीज़ प्रश्न को मैं प्रश्न नहीं मानता। अच्छा, चलिए आप अपनी बस दो आखिरी सवाल आपसे। एक तो आपने कहा कि अभी सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है, पहले भी आपने कहा वाकई सीटों को लेकर बातचीत नहीं है, वाकई जीतनराम मांझी ने और संतोष सुमन ने कोई डिमांड नहीं रखी अभी एनडीए के अंदर कि कितने सीट पे लड़ेंगे या क्या इच्छा है आप लोगों की? देखिए, इसका मतलब है कि 44 वर्ष के जीवन में आप लोग जीतन मांझी को नहीं समझा है। जी, जीतन मांझी 1980 में एमएलए सीट के लिए प्रयास किया था कि हमको दीजिए। 1980 के बाद न हम एमएलए का सीट मांगे हैं, न हम मंत्री पद मांगे हैं, न मंत्रालय मांगे हैं, अब मुख्यमंत्री का तो स्वप्न भी नहीं था, सब मिला है। तो इसका मतलब कि हम कहा पहले कि हम राजनीति नहीं किया है, हम स्वाभाविकता की ओर काम किया है। उसी प्रकार से यहाँ सीट हमने सिर्फ एक सम्मान की बात की है, और सम्मान हमको मिला आपने देखा जी, जी। और हम हमारे लिए तो एक प्रधानमंत्री का ही पद न बाकी है जी, बाकी तो सब पद प्राप्त कर लिया, तो हमको क्या जरूरत है? हमारा जरूरत यही है कि हमारी बात को माने और जो बिहार के लिए हो सकता है हम सोचते हैं वो काम करेंगे, वही सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए हम लोगों में सीट बीट का कोई मामला नहीं। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद इंटरव्यू खत्म करेंगे। आप महागठबंधन में भी रहे हैं, आपने कई बात और कई राज भी खोले, एक आखिरी राज आप खोल दीजिए, जब आप महागठबंधन में तो क्या लगा नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया है कि 2025 के बाद हम तेजस्वी के फेस पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि एक खबर यह भी आती है बीच में रहकर कि लालू यादव का दबाव है कि आप अब कुर्सी छोड़िए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, क्या क्योंकि आप महागठबंधन में रहे हैं काफी दिनों तक तो सब चीज जानते हैं, आपके लालू यादव के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध थे जितने नीतीश कुमार के साथ थे, क्या चल रहा है इस कुर्सी को खेल में? देखिए, नीतीश कुमार चाणक्य हैं, चाणक्य नीति कूटनीति होती है, किसी भी प्रकार से हो सत्ता में रहो, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, नहीं चाहिए। हाँ,
चलिए, तो नीतीश कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको कुर्सी से हटाने की तैयारी एनडीए ने कर ली है। और जीतन राम मांझी लगातार सीमांचल के इलाके में अपने बेटे संतोष सुमन के साथ घूम रहे हैं और एनडीए का कुनबा मजबूत करने की तैयारी में है, और दावा है 40 में 40 का। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।